गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है जनकपुर का जानकी मंदिर। बहुत ही भव्य और सुंदर है। इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले, और ये इसका नाइट व्यू है। यहाँ के लोकल मंदिर के बारे में देखते हैं। तो ये रहा 56 कोटि पुरुषोत्तम मंदिर, जो कि जनकपुर में स्थित है, और इसके सामने धनुष कुंड भी है। जब स्वयंवर में श्री राम जी ने धनुष तोड़ा था, तो उसका एक सिरा इस धनुष कुंड में भी गिरा था। यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ हैं। ये हनुमान जी की मूर्ति है, पीछे आपको विष्णु जी का दिख रहा था। यहाँ पे ये दुर्गा माता का मंदिर है, और इस मंदिर में कई सारे भगवान हैं, और ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। ये सामने इसके देखते हैं धनुष कुंड, ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ। सामने वो आपको सिरा दिख रहा होगा, जहाँ पर रात में गंगा आरती होती है, जिसका भी वीडियो हमने बना रखा है। इस मंदिर की सुंदरता देखिए, सामने से ही बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी कलरफुल है, कई रंग के कलर से ये पेंट किया गया है। और अंदर ये रहा मेन मूर्ति, अभी इसके बाद में आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पहले हम लोग लेफ्ट में देखते हैं, यहाँ पर ये घंटियाँ लगी हैं, और काफ़ी सुंदर तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है। ये मंदिर नेपाली संस्कृत पर बनाया गया है, और यहाँ पर इस समय नेपाली भजन भी आप लोगों को सुनाई पड़ रहा होगा बैकग्राउंड में। यहाँ पर एक गुरुदेव जी की प्रतिमा लगी हुई है, और अब चलते हैं, आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। यह है सीताराम जी की मूर्तियाँ। जय श्री राम। इस मेन मंदिर के बगल में भी एक और मंदिर है, जहाँ पर भी भगवान जी की मूर्तियाँ हैं, दुर्गा माता का, विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का। बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, काफ़ी कलरफुल हैं। जय हो लक्ष्मी माता। अब आगे चलते हैं, इस मंदिर का एक परिक्रमा करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर भी घंटियाँ बनी हुई हैं, कुछ यहाँ पर मंत्र वगैरह लिखे हैं, और काफ़ी शांति है इस मंदिर में, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो ये धुन बज रहा है, ये भी काफ़ी बढ़िया लगता है, प्यारा लगता है। ये देखिए एक और मंदिर, राधा जी और श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये हनुमान जी हैं, और ये उनकी छतरी है, ऊपर देख सकते हैं छत्र लगा हुआ है। और इस हनुमान जी की मूर्ति के ठीक सामने एक ये मंदिर है महादेव जी का, और इसमें ये जो महादेव जी है, ये अर्धनारीश्वर रूप में है, बहुत ही सुंदर। जय भोलेनाथ। फिर आगे चलते हैं, ये छोटा सा उसी में पार्क बना हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और दूसरी साइड में एक और मंदिर है, जो कि चारों तरफ जालियों से ढका हुआ है। इसके अंदर कई मूर्तियां हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने। जय हो भोलेनाथ। यहाँ पर देखिए ये मूर्तियां हैं, माँ काली जी की मूर्ति है, भगवान विष्णु जी की भी मूर्ति यहाँ पे आपको दिख रही है, और यहाँ पे हमारे सभी नवग्रह की मूर्तियाँ हैं। उसके साथ ही साथ बगल में आप ये देखिए, यहाँ पर जितनी हमारी नौ देवियाँ हैं, उनकी ये मूर्ति यहाँ पर है, और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। और बगल में ये कुछ और प्रतिमाएं हैं, जो कि हमारे जीवन के कर्मों के फल को दर्शाती हैं। यहाँ राजा जी घोड़े पे सवार हो रहे हैं, उनकी ये प्रतिमा है। फिर ये आगे चलते हैं, यहाँ पर पंडित केशव गुरु जी महाराज की समाधि स्थल है। ये समाधि स्थल मंदिर के ठीक पीछे बना हुआ है। ये देखिए, ये मंदिर के पिछले सिरे पर हम लोग हैं, और यहाँ पर ये सामने देखिए केशव गुरु जी की प्रतिमा स्थापित।